समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा। लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, वो कितना पढ़ना है ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है, ये मायने रखता है। और यहाँ पटना में, दिल्ली मुखर्जी नगर में, यहाँ पे रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। अब भाई रेगिस्तान में आप 20 फीट खोल दिए या 40 फीट नल खोल दिए, पानी नहीं निकलने वाला, निकलेगा नहीं निकलेगा। जगह देखिए ना कहाँ क्या मायने रखता है, उस हिसाब से वर्क करें। सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा जो पढ़ने